प्रकार से करते हैं और इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेटीएम खोल रहा हूँ मैं, और पेटीएम खुल चुका हमारा। सबसे पहले हम एड मनी में जाएंगे। आप यह देख रहे होंगे कि यहाँ मेरा बैलेंस 115.99 लिखा हुआ है। इसका उपयोग आप भी कर सकते हैं, मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाऊंगा। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर खुल गया है दोस्तों हमारा। इसमें अपन गूगल प्ले में जा करके हम टाइप करेंगे पेटीएम। हमने टाइप कर दिया है और कुछ देर बाद देखोगे दोस्तों यहाँ पर पेटीएम का बहुत सारे पेटीएम यहाँ आए। सबसे पहला वाला जो आपने देख रहे हो आप, इसको आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये मैं इंस्टॉल कर लिया है इसको पूरी तरीके से। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा आपका। जैसे कि पहले मैंने आपको इसमें दिखाया, इंस्टॉल होने के बाद में आप इसे खोल लीजिएगा। और अब आप यह देख रहे हैं हम पेमेंट भेज सकते हैं, हम मनी को ऐड कर सकते हैं, और हमारी पासबुक एक प्रकार से यहाँ बन जाएगी, और पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसका लोकेशन हम यहाँ पर जान भी सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ऐड मनी, यहाँ आप देख रहे हैं ऐड मनी, इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक खुल जाएगा। और यहाँ पर आप ऐड मनी लिखा हुआ है, यहाँ पर अमाउंट आपको जितना भी भरना है इसके अंदर डाल दीजिए आप। जैसे कि मैं यहाँ 100 रुपये डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ डाल दिया है। हम ऐड मनी करेंगे, बट डाल दिया, हमने डाला हुआ है। और यहाँ पर आप अपना CVV जो नंबर है वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का, खास करके कि हमको अपना CVV नंबर जो है वो आपको डालना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसके लिए आपको अपना जो कार्ड है आपका, आप उसके पीछे की तरफ आप देखोगे तो 3 डिजिट के जो नंबर लिखे होंगे वो नंबर यहाँ आपको डालने पड़ेंगे, और तो तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा। डालने के बाद में मेरे यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले डालकर इस्तेमाल कर चुके हैं इसको, तो पे नो पर हम इसको दबाएंगे। पे नो करते ही आई वॉन्ट टू जनरेट वन टाइम पासवर्ड, और आई वॉन्ट टू यूज़ प्री जनरेट OTP, आई वॉन्ट टू रजिस्टर द कार्ड विद वेरीफाइड बाई वीज़ा। सबसे पहले हम आई वॉन्ट टू जनरेट वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर आपका तो तुरंत कुछ समय के बाद में आपका जो वन टाइम जो पासवर्ड होगा, तुरंत जो भी नंबर आपका मोबाइल पर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यह हमने OTP डालने के बाद में हमारा 100 रुपये यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। यह इसका मतलब है हमारा यहाँ पर जो पेटीएम का जो हमारा वॉलेट है उसमें हमारा 100 रुपये जा चुके हैं। अब दोस्तों हमें अपना वॉलेट जो है उसमें कितने पैसे आए हैं हमको चेक करना है, तो एक बार खोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा बैलेंस पहले 115.99 था, अभी आप देखोगे कि हमारा जो बैलेंस है वो 100 रुपये बढ़ गया है। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और आप इसका उपयोग पर मंथ में 100 रुपये से लगा करके 20,000 रुपये के बीच में आप इसका उपयोग कर सकते हैं पर मंथ के लिए। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसमें कई प्रकार की सुविधाएं भी होती हैं, उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं इसके अंदर। और आप यदि पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ सेंड मनी टू बैंक, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद में आप ये आ जाएगा आपका ट्रांसफ़र, या ट्रांसफ़र पर आप क्लिक करेंगे
तो आपका जो ट्रांसफर का जो भरना है आपको जो चीज़ है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। पहले अमाउंट दिखाई दे रहा है, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम आपको भरना है, अकाउंट नंबर आपको भरना है, और उसके बाद में आपको IFSC कोड जो आपकी बैंक बुक के अंदर दिए होंगे वो आपको इसमें डालना होगा, और उसके बाद वो सेंड कर देना होगा। इस प्रकार से आप इसमें मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप इसमें कई प्रकार के रिचार्ज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लिखा मोबाइल प्रीपेड, मोबाइल पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी, DTH, गैस कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, डाटा कार्ड, कोई प्रकार फीस, इंश्योरेंस, वाटर का बिल, पेट्रोल, ये सभी आप इन चीज़ों का उपयोग इसमें कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कि ऐसे किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम इसका लाभ उठा सकते हैं।